नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक बड़ी भर्ती जो 12,400 पदों पर इंटरव्यू के आधार पर इस भर्ती को किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, इस भर्ती की विज्ञप्ति पूर्व में जारी हो चुकी, पर सरकार ने वाल्मीकि समाज के हितों को ध्यान में नहीं रखते हुए विज्ञप्ति जारी कर दिया और जैसे ही विज्ञप्ति जारी हुई समाज ने विरोध किया। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको संशोधन करके पुनः विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि योग्यता क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र आपके लिए कितने वर्ष का होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनवाना पड़ेगा, क्या मेरा भी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं क्या हम भी बनवा सकते हैं, कुछ वरिष्ठ लोग हैं, इसमें आयु सीमा क्या होगी, ये सारी चीजें अपन समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको सैलरी कितनी मिलेगी ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो कटिंग है अपने न्यूज चैनल की, तो देखिए इसमें जो उम्र निर्धारित की गई है, आपको भी पता है कि 18 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए, योग्यता आप 8वीं पास होने चाहिए। अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो देखिए जो अखबार की कटिंग है वो आपके सामने है। सफाई कर्मचारी की भर्ती होगी जिसमें 66% कौन होंगे, वाल्मीकि समाज, ठीक है। 21% ओबीसी वर्ग को इसमें तवज्जा मिलेगा, इस तरीके से आपकी ये वैकेंसी पूरी होगी। इसमें जो नियुक्ति मिलेगी आपको, इसमें जो नियुक्ति मिलेगी वो नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर मिलेगी। किसके आधार पर, तो याद रखना इसमें जो नियुक्ति आपको साक्षात्कार के आधार पर मिलेगी, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर। कितने पदों पर होगी ये, 12,400 पदों पर। आपका सबसे बड़ा सवाल ये है कि आयु की गणना कब से की जाएगी, क्योंकि इसमें 40 वर्ष आयु है और विशेष वर्ग को विशेष छूट मिलेगी, ठीक है, छूट भी मिलेगी इसमें, ऐसी बात नहीं। ये 40 वर्ष तो है ही, जिसकी गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न, आपको जो अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा वो कहां से बनेगा और कितने वर्ष का चाहिए। 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र हो, किसी भी ऑथेंटिक सरकारी कार्यालय हो या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, उससे आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। सफाई कर्मचारी का, देखो नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी नौकरी ले लीजिए, क्योंकि आपको वेतन चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है सफाई करना है। चाहे आप राजस्थान पुलिस में लग जाते हैं कई बार, तो वहां भी आपको वो भी नौकरी, एक राजस्थान पुलिस की भी चतुर्थ श्रेणी बराबर ही है, ऐसा अनुमानित है, क्योंकि सैलरी दोनों बराबर सी है, बस आप उसको अलग नजरिए से देखते हैं। इसे थोड़ा सा आप जैसे सोचते हैं कि गलियों में सफाई करनी पड़ेगी, केवल इस समय आपने एक जोधपुर में एक महिला का नाम सुना होगा कि सफाई करते करते आरएएस बन गई थी। तो ये जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि आप नौकरी कोई भी पालें, पर निश्चित आपका जो टारगेट है उसे भी पा सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको वो कितनी मिलेगी सैलरी, ठीक है, वेतन कितना मिलेगा, वेतन ये सबसे बड़ा बिंदु है आपका। तो इसमें 20,000 रुपए आपको प्रति माह 2 वर्ष तक ये वेतन मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपका वेतन बढ़ जाएगा। ये आपका जो संविदा, मतलब मेरे पैसे साथियों, यानी प्रोबेशन पीरियड होता है ना, वो रहेगा इसमें, ठीक है, उसके बाद आपका वेतन बढ़ेगा। तो ये आपका चयन करेगा, जो भी डिपार्टमेंट इसको लेगा उसमें इंटरव्यू होगा, जहां जहां भी नियुक्तियां होंगी राजस्थान के विभिन्न जिलों में, क्योंकि जिलों की संख्या बढ़ी है, तो अब क्या इनमें पद बढ़ सकते हैं, आपका एक और प्रश्न है, क्योंकि जिले कितने बन गए भाई, जिले कितने बन गए, 50, तो क्या इनमें पद बढ़ सकते हैं, 50 जिले बन गए तो पद कितने हैं, और 12,400, तो भाई पद बढ़ सकते हैं, अनुमानित ये पद 15,000 से अबव हो सकते हैं, तो ये मौका आपके लिए गोल्डन चांस है, ठीक है, पद भी बढ़ सकते हैं शायद, अनुमानित है, ठीक है, पर 12,400 तो कंफर्म है, ये भर्ती जल्द ही हो जाएगी, निश्चित इस भर्ती को सॉल्यूशन कर दिया गया, क्योंकि पहले ये भर्ती विवाद की स्थिति में चली गई, जिसमें वाल्मीकि समाज को महत्व कम दिया गया, तो उन्होंने विरोध किया, क्योंकि वैकेंसी का हकदार वही है ज्यादातर, ठीक है, फिर भी सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इसका निस्तारण किया गया अधिकारियों के द्वारा। तो निश्चित अब आप इसमें साक्षात्कार
में मिले अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे बताएंगे। अगर आप का कोई भी छोटा भाई बहन बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करना चाहता है तो विद्यापीठ का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सारी चीजें आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप ऐप में पढ़ते हैं तो ये नाम मात्र के शुल्क, शिक्षा के व्यापार को समाप्त करने का संकल्प विद्यापीठ, बीपी सर के संग इनकी टीम बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन में सारी चीजें यूट्यूब पर कवर करवा रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थी।